अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अगर आपके आसपास माइक है तो आप माइक लेके अपना सवाल पूछें जब मैं आपका नाम लूंगी, और अगर आपके आसपास माइक नहीं है तो आपकी तरफ से मैं सवाल पूछूंगी और मुख्यमंत्री जी उस सवाल का जवाब देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अलर्ट रहें, जैसे ही आपका नाम लिया जाएगा, नाम के साथ अगर आपने अपनी विधानसभा लिखी है तो मैं विधानसभा भी बताऊंगी, आपको नियरेस्ट माइक लेके अपना सवाल फटाफट कुछ शब्दों में आपको मुख्यमंत्री जी के सामने रखना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपनी अपनी जगहें ले लें, साइड में बैठ जाएं, बस कुछ मिनटों का समय बाकी है। दिल्ली का पहला टाउन हॉल, पहला ऐसा मौका कि जनता खुद अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछती है और जनता को उसी समय उसी मिनट जवाब मिलता है। ये पहली बार हमारे देश में हो रहा है, ये पहली बार कोई मुख्यमंत्री कर रहा है। देश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होएगा जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि चुनाव से ठीक पहले वो हर इंसान का जवाब देने के काबिल हो। ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जो लोगों के बीच रहकर, लोगों के सवालों का जवाब देकर, लोगों के सुझाव लेकर आगे बढ़ती है। तो आपके सवालों का जवाब, सब सारे सवालों का जवाब मंच पे अगर नहीं भी मिला तो जो सवाल रह गए हैं उनको हम SMS द्वारा जवाब देंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी से हर सवाल का जवाब लेंगे और आपके नंबर हमने लिए हैं, हम आपको SMS के द्वारा जवाब जरूर देंगे। तो आपको या तो यहाँ या SMS के द्वारा आपके आंसर्स मिलेंगे। तो तैयार रहिए सब लोग, आपने बहुत सबर किया है, इतनी ठंड के मौसम में आप सब बाहर आए हैं और आपने इतने शांति से यहाँ पे आके जैसे जगह मिली वैसे आप बैठ गए हैं। तो दिल्ली की जनता को मेरा सलाम और बस तैयारी रखिए, कुछ मिनटों में हमारे मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं। चेक करना चाहते हैं कि सबको आवाज आ रही है ना, साफ तरीके से आवाज आ रही है सबको, यहाँ पे साफ तरीके से आवाज आ रही है। धन्यवाद। चेकिंग माइक, कैन यू हियर दिस क्लियरली? क्या क्लियरली आवाज आ रही है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं आपके साथ आपके बीच। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाएं। अरविंद केजरीवाल जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते मिटाने से नहीं मिटते। जोश आपके जज्बा को सलाम करते हैं। लेकिन हम आए हैं मुख्यमंत्री जी को सुनने, तो अभी मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू बात कर रहे हैं, आप प्लीज जाएं। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों शुरू करें फिर। शोर नहीं। भारत माता की इनकलाब। हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं। आवाज कम है, आवाज। हेलो हेलो। स्कूल में अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता था, रिपोर्ट कार्ड लेके अपने मम्मी पापा के पास जाया करते थे। अच्छा रिपोर्ट होता था तो बड़ी खुशी के साथ जाते थे, और ख़राब होता था तो बड़ा नर्वस होते थे वे क्या। तो आज मेरे को भी रिपोर्ट कार्ड मिला है और मैं अपने दिल्ली की जनता के सामने हूँ अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सोच रहा था, मैं बचपन में जब स्कूल जाता था, मैं स्कूल में बड़ा पढ़ाकू बच्चा था। हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करता था, और हर साल जब रिपोर्ट कार्ड आता था तो अपने पेरेंट्स के पास लेके जाता था। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही माँ होती है, जनता ही बाप होती है, जनता ही भगवान होती है। तो आज अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मैं आप सब लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनतंत्र में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा शुरू हो रही है, बड़ी अच्छी परंपरा शुरू हो रही है कि 5 साल पहले आप लोगों ने हमें चुन के भेजा, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े विश्वास के साथ आपने हमारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 5 साल तक आप लोगों ने दिल्ली चलाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से टैक्स के पैसे दिए कि भाई इस पैसे से हमारा भला करो। तो 5 साल के बाद ये तो बनता है कि मैं आप लोगों को आपके पैसे का हिसाब दूं, और 5 साल पहले जो आपने मेरे ऊपर विश्वास किया था उस विश्वास का आपके सामने हिसाब किताब रखूं। आज उसी का हिसाब किताब रखने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। ये सारी रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों के पास भी है। मैं मोटी मोटी तौर पे 2-4 बातें बताना चाहूंगा, और उसके बाद ज़्यादा हम आपके खूब सारे बड़े बड़े हैं क्वेश्चंस, इसमें से आपके प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इन 5 सालों में
हम लोगों ने उन मुद्दों पे काम किया जो मुद्दे किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उसकी फाउंडेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो दो मुद्दे हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके लोग अच्छे पढ़े लिखे ना हों। आप दुनिया का कोई भी राष्ट्र जो आगे बढ़ा है, अमेरिका, जापान, टोक्यो, लंदन, फ्रांस, यूरोप, जो जो ऑस्ट्रेलिया, जो जो आगे बढ़े, कोई भी राष्ट्र उठा के देख लो, ऐसा कोई विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री नहीं मिलेगा जहाँ की जनता पढ़ी लिखी ना हो। तो अगर अपने को देश को आगे बढ़ाना है तो अपने को देश को सबसे पहली ज़रूरत है, अपने को देश को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात गांठ बांध लो, अगली बार किसी भी चुनाव में कोई भी पार्टी आपके पास आके कहे ना हम देश को ये कर देंगे, हम देश को ये कर देंगे, हम देश को आगे बढ़ा देंगे, उनसे ये पूछना जी शिक्षा पे क्या करोगे। अगर कोई पार्टी शिक्षा पे तवज्जो नहीं दे रही, कोई पार्टी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ठीक करने की बात नहीं कर रही, कोई पार्टी देश के लोगों को शिक्षित अच्छी शिक्षा देने की बात नहीं करती, वो पार्टी कभी भी देश को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए हमने शिक्षा का इंतजाम करा, अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा, पैदा होने से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक का, पैदा होने से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक का हमने पूरा इंतजाम कराया। दिल्ली में दो तरह के स्कूल हुआ करते थे, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल बहुत खराब थे, प्राइवेट स्कूल कई बहुत अच्छे थे और कई मिडिल कैटेगरी वाले थे, लेकिन सरकारी स्कूल बहुत ही खराब होते थे। तो एक गरीब आदमी पेट काट के भी कोशिश करता था यार किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में ही भर्ती करा दूं। जब पैसे बिल्कुल ही नहीं होते थे तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, अपनी मन मार के भेजा करता था। प्राइवेट स्कूल वालों ने एक तरफ गुंडागर्दी मचा रखी थी, कभी भी फीस बढ़ा देते थे, हर साल फीस बढ़ा देते थे, और उधर सरकारी स्कूल में शिक्षा खराब थी। ये दो तरह की अपने दिल्ली के अंदर, पूरे देश में इसी तरह की चल रही है शिक्षा व्यवस्था, ऐसी चल रही है। सबसे पहला काम हमने करा कि सरकारी स्कूलों को ठीक करा। सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के स्तर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बचा। आपको आज सरकारी स्कूलों में भी उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, प्राइवेट स्कूलों में भी उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबूत है नतीजे। अंत में तो एक आदमी अपने बच्चों को नतीजों के लिए भेजता है ना, पढ़ाई के लिए भेजता है। नतीजे अच्छे नहीं आए और हम बड़ी शानदार बिल्डिंग बना दें, उसका क्या फ़ायदा। तो प्राइवेट स्कूलों के नतीजे इस साल 12वीं क्लास में 93% आए और सरकारी स्कूलों के नतीजे 96% आए। दिल्ली में 96% नतीजे आए सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के 93% आए। ये आपको दूसरे राज्यों से भी कंपेयर करने चाहिए। यहां पब्लिक में मैं दूसरे राज्यों की बात करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पे 12वीं क्लास के क्या नतीजे आए। इस हॉल से बाहर निकल के गूगल पे सर्च मार के देख लेना, पता चल जाएगा, किसी के 50%, किसी के 55%, किसी के 60%, और दिल्ली में 96%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो असली राष्ट्र निर्माण का काम आज दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। तो 12वीं क्लास तक तो आपके बच्चों का सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, बहुत शानदार कर दिए, शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी, तो 12वीं क्लास तक आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर दिया। उसके बाद कॉलेज के लिए
आजकल कॉलेजों की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, फीस की वजह से उनको आगे पढ़ाई रुक जाती है। वहाँ हम लोगों ने इंतजाम करा भाई कॉलेज के बाद बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो कॉलेज के बाद हमने इंतजाम करा सरकार आपको 10 लाख रुपए का लोन देगी। आपको लोन लेने के लिए जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो आपको गारंटी देनी पड़ती है, गिरवी रखना पड़ता है जमीन जायदाद जेवर। अब गरीब आदमी के पास जमीन जायदाद ही होती तो फिर वो गरीब थोड़ी होता, उसके पास तो कुछ होता नहीं है गिरवी रखने, फिर उसको लोन भी नहीं मिलता। तो हमने कहा सरकार गिरवी रखेगी, सरकार गारंटी देगी, आप तो बस फॉर्म भर के लोन ले लो, पैसे ले लो, जितने पैसे स्टूडेंट लिख के देता है उस फॉर्म में उतने पैसे उसको दे देते हैं। वो कहता है जी मेरे को 8 लाख रुपए चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ले जा बच्चे 8 लाख रुपए ले जा और पढ़, खूब पढ़। पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद उसकी नौकरी लग जाती है, तो 1 साल के बाद अगले 15 साल में उसको वो आसान किस्तों में अपना लोन चुकाना होता है, बड़े आराम से चुका देते हैं। फिर हमने ये करा, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, गरीब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन 12वीं के बाद आज इतना कंपटीशन हो गया। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। अब पैसे वालों के बच्चे तो अच्छी कोचिंग ले लेते हैं, हमारे गरीबों के बच्चे रह जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए, पैसे वालों के बच्चे तो कोचिंग ले लेते हैं, 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग हो गई। तो हमने स्कीम निकाली जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और इसको पहले हमने SC समाज के लिए शुरू किया, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, तो 1 या 2 साल हमने SC समाज के लिए चलाया। अब इसको हमने सबके लिए लागू कर दिया, जनरल के लिए भी, SC के लिए भी, सबके लिए लागू कर दिया कि अगर आप गरीब हो और अगर आप कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते तो सरकार आपकी कोचिंग के पैसे देगी, आप अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और सरकार आपके पैसे देगी और आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। और ग्रेजुएशन करने के बाद जब आपको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, IAS के लिए, IPS के लिए, वहाँ भी कोचिंग दिल्ली सरकार आपको देगी, कोचिंग के पैसे देगी अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो आपको पैदा होने से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने कर दिया। दूसरा, सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दिया। आज इतना महंगा हो गया इलाज, इतना महंगा हो गया कि अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। एक किसी के मान लो हार्ट अटैक हो गया किसी के यहाँ, उसको किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दो, 8 से 10 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, गलत तो नहीं कह रहा, सारा कुछ लुट जाता है अपना। तो सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को अपने दवा दारू की रहती है लोगों को, उसका इंतजाम कर दिया सबका सारा कि अब सारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, 10 लाख रुपए का खर्चा है, 15 लाख रुपए का खर्चा है, दिल्ली सरकार सारा पैसा देती है। खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए पूरी दिल्ली के अंदर, खूब सारे पॉली क्लिनिक्स खोल दिए दिल्ली के अंदर। बिजली, मेरे को याद है 2013 में मार्च के महीने में मैं 15 दिन अनशन पे बैठा था। उन दिनों में कई कई हजार रुपए के बिजली के बिल आया करते थे लोगों के, किसी के 5,000, किसी के 6,000, किसी के 7,000 महीने के, छोटे छोटे घरों के, और लोग इतने दुखी थे हमारे से पहले वाली सरकार में। और मैंने 15 दिन का अनशन किया था कि बिजली के बिलों को कम किया जाए, बिजली सस्ती की जाए। कई लोगों ने कहा कि केजरीवाल राजनीति कर रहा है, अब नई नई पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी चमकानी है तो इसलिए कर रहा है, अनशन पे बैठा है 15 दिन के। लोगों ने कहा बिजली सस्ती हो नहीं सकती, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब, आपका प्यार था, आपकी मोहब्बत थी, आपका विश्वास था, दिल्ली में सरकार बनी। आज 5 साल के बाद जब अपना कार्यकाल पूरे कर रहे हैं तो दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं करी, फ्री कर दी।
जीरो किस किस का आता है, जरा हाथ खड़े कर दो। ये टीवी वाले दिखा दो यार जरा से, कितने सारे हाथ खड़े हो गए। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम जो भी बात करते हैं पब्लिक में, बड़ी सोच समझ के करते हैं, गंदी राजनीति के लिए नहीं करते। मैं 15 दिन अनशन पे बैठा था, डायबिटीज का मरीज हूं। डायबिटीज का मरीज अगर 4 घंटे बिना खाने के रह जाए तो उसकी शुगर लो हो जाती है, उसकी जिंदगी पे बनाती है। डॉक्टर ने कहा था ये 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा। मैं 15 दिन अनशन पे रहा, ऊपर वाले की शक्ति है और आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और भगवान को भी पता था कि बिजली फ्री कराने के लिए इसको जिंदा रखना है। तो बिजली मुफ्त हुई दिल्ली के अंदर। और अब आप लोगों का ये करिश्मा है, पूरे देश में डिमांड उठ रही है। कल एक और पार्टी वालों ने कहा, कह रहे हम 600 यूनिट मुफ्त करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। मैंने कहा बात तो शुरू हुई, चर्चा तो शुरू हुई, पहले कहाँ थे। चलो पहले छोड़ दो, हम कह रहे हैं तुम्हारी सरकार आज भी देश में 5 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, वहीं कर दो। 600 नहीं 200 ही कर दो उन राज्यों में। तो बिजली 24 घंटे हो गई, 24 घंटे भी हो गई, पूरे देश में अकेले अपनी दिल्ली है जहां 24 घंटे बिजली है। अब तो आप लोगों को आदत पड़ गई 24 घंटे बिजली की, तो पता नहीं चलता कि केजरीवाल नहीं करी है, नहीं तो पहले पावर कट लगते थे तो याद आता था, हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी, हर साल वो जनरेटर होता था वो होंडा वाला। अब अपने को कोई जनरेटर नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। एक जो पानी के ऊपर भी खूब काम किया, लेकिन इसमें भी काफी काम करना अपने को बाकी है। जब हमारी सरकार बनी 58% दिल्ली में टूटी से पानी आता था और बाकी सब जगह टैंकरों से पानी जाया करता था। मैं सोच रहा था ये 70 साल में इनसे पानी नहीं दिया गया, 70 साल में इन लोगों से, इन पार्टियों से देश की राजधानी में टूटी में पानी नहीं दिया गया। और ये पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं आजकल, मैं सुन रहा हूं पता नहीं पूरे देश में टूटी में पानी देंगे। अरे दिल्ली में तो दे लेते, पहले दे देते, हमारे को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। तो कह रहे हम पूरे दे, बहुत अच्छा है पूरे देश में दे देना, पहले दिल्ली में। दिल्ली में अब हम पानी का इंतजाम कर रहे हैं, 58% दिल्ली, 70 साल में 58% दिल्ली को पानी दिया। क्यों? ऐसा नहीं दे नहीं सकते थे। मैं कल एक किसी MLA के यहाँ गया था, वहाँ पे UGR का उद्घाटन था। उस MLA ने बताया अपने भाषण में, बोला जी मेरे से पहले जो MLA था, 15 साल तक वो MLA था, हर महीने 500 टैंकर आते थे, हर दिन 500 टैंकर आते थे, और हर महीने टैंकरों से उसकी कम से कम 12 लाख रुपए महीने की कमाई थी टैंकरों से। तो साल के सोच लो कितने हो गए, और 15 साल के सोच लो कितने करोड़ रुपए हो गए। इसलिए आप लोगों को 70 साल में टूटी में पानी नहीं दिया गया। पैसे कमाने थे इन लोगों को, पैसे कमाने थे इन लोगों को। अब आपने ईमानदार सरकार चुनी,
हमारी टैंकर माफिया से कोई लेना देना नहीं है। हमने तुरंत आते ही इतनी पाइपलाइन बिछाई, आज दिल्ली में 93% दिल्ली में टूटी से पानी आ रहा है और 7% बच गया। ये भी हर जगह पाइपलाइन डल रही है, पूरे दिल्ली के अंदर 100% साल डेढ़ साल के अंदर पानी कर देंगे, हर घर में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। और अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगा रहे हैं। किस किस के यहाँ लग गए कैमरे? कईयों के यहाँ लग गए, कईयों के यहाँ अभी बाकी हैं। तो लगभग 1,40,000 कैमरे लगवा दिए और कल से 1,40,000 और कैमरे लगने चालू हो गए। लेकिन ये इतने लाख इतने हजार कैमरों पे मत जाना, हमारे लिए अपनी महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 लाख कैमरे भी लगाने पड़े, चिंता मत करना, आपका भाई बैठा है, जितने पैसे कमांडो सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद। आप यहां अरविंद जी को सुनने आए हैं, अपने सवालों का जवाब लेने आए हैं, तो नारेबाजी का जज्बा को हम पूरी कदर करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर अरविंद जी की बात सुने और फिर आपके सवाल सुने, तो इसलिए थोड़ी देर शांति बरकरार रखें। ये इस तरह की नारेबाजी सही नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा, हम भारत को बदलने के लिए आए हैं, हम देश को बदलने के लिए आए हैं, कुछ लोगों को टिकट दिलवाने के लिए नहीं आए हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नारेबाजी से हमारा कार्यक्रम और देर होगा और विलंब होगी, इसीलिए अरविंद जी की बात सुने और फिर अपने सवालों के जवाब लें। थैंक यू। उसी तरह से कच्ची कॉलोनियों में खूब काम किए हैं, कच्ची कॉलोनियों में पहले बिल्कुल काम नहीं होते थे, हर चुनाव में राजनीति होती थी कच्ची कॉलोनियों में, हर चुनाव के पहले कहा जाता था हमको वोट दे दो, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। हमारी जब सरकार बनी, मैं अफसरों को कहता था भाई ये यहाँ पे सड़क बनवा दो, सर कच्ची कॉलोनी में काम नहीं हो सकता, फलाने कानून, ढिमका कानून, हमने सारे कानून बदल दिए और पैसे की कमी नहीं होने दी। आज 1797 में से 1281 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें और नालियों का निर्माण कर दिया, 1130 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन बिछा दी और 1554 कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी। जो बचा हुआ काम है अब अगले 5 साल में पूरा करना है। उसी तरह से डोर स्टेप डिलीवरी एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है कि आप फोन करो और सरकार आपके घर आके लाइसेंस बना के जाती है, पता है ना सबको। तो खूब सारे काम किए, कुछ रह तो नहीं गया, रह गया तीर्थ यात्रा रह गई, अभी बहुत सारे काम रह गए जो इसमें नहीं है, अभी बहुत सारे काम रह गए जो इसमें नहीं है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी, अगर आप एक क्वेश्चन निकाल के मुझे दें तो फिर मैं ये सवाल है दीपक जी का पालम से, दीपक जी पालम से, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ आर यू एबल टू प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज फॉर फ्री। ये अच्छा क्वेश्चन है कि इतनी सारी चीजें फ्री में कैसे दे रहे हैं।
एक मन में ये आता है भाई सारी फ्री देता जा रहा, फ्री देता जा रहा, हमारा टैक्स बढ़ा देगा, है ना। 5 साल में आपका टैक्स 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टे दिल्ली के अंदर पहले 12% वैट होता था जिन चीजों पे, वो घटा के 5% कर दिया। तो फिर आपके मन में आएगा कि इतनी चीजें फ्री कर रहा है, घाटे में कर देगा सारा दिल्ली का बजट, वो भी नहीं हुआ। अभी अभी सीएजी का नाम सुना है सबने, सीएजी केंद्र सरकार की संस्था है, उन लोगों की संस्था है। सीएजी से सारे डरते हैं, सीएजी वो संस्था है जिसने देश के सारे बड़े बड़े घोटाले निकाले, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे घोटाले सीएजी ने निकाले थे। सीएजी किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाए तो अफसर नेता सारे कांप जाते हैं कि अब तो गए। तो जब हमारी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे थे तो केंद्र सरकार ने सीएजी को भेजा हमारे पास, इनकी चेकिंग करके आओ। सीएजी ने हमारे 5 साल के सारे बही खाते चेक करे, और भाई साहब सारे बही खाते चेक करने के बाद सीएजी ने, केंद्र सरकार की एजेंसी ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो कि मुनाफे में चल रही है। मैं अपनी तारीफ करता, वो तो सारे ही करते हैं, उनकी संस्था ने हमारे सारे बही खाते चेक करने के बाद कहा कि यार ये सरकार अकेली सरकार है, बाकी देश की सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है, दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चलती थी। तो आपकी सरकार फायदे में चल रही है, आपके टैक्स नहीं बढ़ाए और उसके बावजूद भी आपकी सारी चीजें फ्री कर दी, तो कैसे कर दी, पैसा कहां से आया? ईमानदारी से। बिल्कुल सही कहा आपने, ईमानदारी से। अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है, तो जो पैसा चोरी हुआ करता था वो सारा पैसा बचा लिया। पहले ये एक काम 100 रुपए में करते थे, हमने वो काम 20 रुपए में करना चालू कर दिया, 30 रुपए में करना चालू कर दिया, पैसे बचा लिए, फिजूल खर्ची बचा ली। जैसा मैं कई जगह उदाहरण देता हूं, आजकल महिलाओं का, जैसे हमने बस यात्रा फ्री करी, 140 करोड़ रुपए लगे महिलाओं की बस यात्रा फ्री करने में, और एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए हवाई जहाज खरीदा, गुजरात, 190 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा। मैं भी खरीद लेता, मेरे को भी अच्छा तो लगता ही, और अभी अपने घर से यहां आया हूं, हवाई जहाज में आ जाता, पर मैं जमीन का आदमी हूं। तो मैं जमीन पे ही चलना पसंद करता हूं, गाड़ी बहुत है। तो 190 करोड़ रुपए का उन्होंने हवाई जहाज खरीदा, हमने 190 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा, 140 करोड़ रुपए में अपनी सारी बहन बेटियों की यात्रा मुफ्त कर दी। तो इस तरह से हम लोगों ने पैसे बचा बचा के आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं दी हैं। अरविंद जी, 2 निकाल लेना प्लीज। तो पहला सवाल है लोकेश पराशर का, मोतीनगर से। लोकेश पराशर जी है यहाँ पे, लगता है बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, जगह नहीं थी तो काफी लोग बाहर खड़े हैं, हॉल के जितने लोग हॉल में बैठे हैं उतने ही लोग बाहर खड़े हैं, तो शायद ये बाहर होंगे। इन्होंने लिखा है, व्हाट आर योर पॉलिसीज फॉर बिजनेस ओनर्स, एस्पेशली वेरी स्मॉल बिजनेस ओनर्स। जितने अपने दिल्ली में व्यापारी हैं, पहले कहते थे कि व्यापारी बीजेपी का वोट बैंक है, कहते थे कि नहीं कहते थे? आज दिल्ली के सारे व्यापारियों से बात कर लो, सारे व्यापारी आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार बैठे हैं। यहाँ पे कई व्यापारी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, सारे व्यापारी इतने खुश हैं।
हमारे देश का व्यापारी क्या चाहता है? आज तक 70 साल में उन्होंने व्यापारी को चोर कह के पुकारा, व्यापारी के ऊपर इनकम टैक्स छोड़ दिया, व्यापारी के ऊपर ईडी छोड़ दी, व्यापारी के ऊपर वैट छोड़ दिया, व्यापारी के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट छोड़ दिया, सीलिंग कर दी व्यापारी की, सारे डिपार्टमेंट छोड़ दिए व्यापारी के ऊपर, ऐसे जैसे कि बस उससे बड़ा चोर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। व्यापारी कहता है जी मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, अगर मेरे को ईमानदारी से काम करने दो। आज अगर आप देश के व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने दो, 99% से ज्यादा व्यापारी ईमानदारी से काम करने को तैयार है। आपने जानबूझ के ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जानबूझ के कि व्यापारी को तोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो व्यापार नहीं चलता। और फिर वो तोड़ता है तो उसको बुला के कहते हैं इतने पैसे दे तेरा ठीक कर देंगे हम, यही तो चलता है, जानबूझ के चोर बना रखा है। हमने ये व्यवस्था बदलने की कोशिश की है 5 साल के अंदर, हमने टैक्स के रेट कम कर दिए, 12% से 5% टैक्स रेट कर दिए हमने सारी चीजों के ऊपर। जब हमने टैक्स के रेट घटाए तो एक व्यापारी संगठन आया, बोला केजरीवाल जी इस बार यकीन हो गया कि ईमानदार सरकार आई है। मैंने कहा क्यों? बोला पहले 1% टैक्स का रेट घटवाने के लिए हमको करोड़ों रुपए का चढ़ावा देना पड़ता था, चप्पल घिस जाती थी सरकार की चक्कर काटते काटते। बोला एक बार भी हम आपके पास नहीं आए, एक नया पैसा नहीं दिया, आपने सीधे 12% से 7% कर दिया। तो व्यापारी चाहता है कि कम टैक्स हो, सरकार हमारे साथ खड़ी रहे। हमने रेड राज बंद कर दिया, जितनी रेड लगती थी 5 साल के अंदर रेड नहीं हुई। आपको एक उदाहरण देता हूं, मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पिछले साल दिवाली के मौके पे मनीष जी बाजार में कुछ खरीदने गए अपने परिवार के साथ, तो वो जो दुकानदार था उसने कहा सर आपका इंस्पेक्टर आके आजकल दिवाली के दिनों में बहुत पैसे लेके जा रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, स्पेसिफिक बताओ। तो उसने दुकानदार ने अपने एक दूसरे दुकानदार को फोन करा, स्पीकर पे ले लिया। दूसरे दुकानदार को ये नहीं पता था कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है इस तरफ, तो उससे पूछा भाई तू कल कह रहा था इंस्पेक्टर आया था, क्या नाम था इंस्पेक्टर का? उसने बताया ये था। कितने पैसे दिए? बोला जी इतने पैसे दिए। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी ने जाके उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करी और ऑर्डर निकाल दिए कि कोई इंस्पेक्टर अब दिवाली दिवाली कोई मार्केट के अंदर नहीं जाएगा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया जी ने सारे व्यापारियों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि कोई अगर इंस्पेक्टर आए तो उसकी फोटो खींच लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना अगले दिन। तो इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं व्यापारियों को सुविधा देने के लिए। अच्छा, अगला सवाल है बेतनाथ शाहू जी का, मोती नगर से। क्या वो हमारे साथ हैं बेतनाथ शाहू जी? वो रहे ऊपर, वो रहे। उनके पास माइक पहुंच सकता है? आप ही पढ़ दीजिए। मैं क्वेश्चन आपकी तरफ से पढ़ रही हूँ। इनका छोटा सा सवाल है, ट्रैफिक चलान बहुत ज्यादा है, इनको कम कर दिया जाए। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बताओ, जब से ये ट्रैफिक चलान बढ़े हैं ट्रैफिक थोड़ा ठीक हुआ है? नहीं हुआ? थोड़ी सख्ती तो सही रहती है ना, जैसे ऑडिवन होता है तकलीफ तो होती है लेकिन सारे कहते हैं जी ऑडिवन होना चाहिए, वैसे ही ट्रैफिक चलान जो है ज्यादा तो हो गए लेकिन जब से ये ट्रैफिक चलान बढ़े हैं, ट्रैफिक का अमाउंट बढ़ा है, चलान नहीं बढ़े, ट्रैफिक के चलान का अमाउंट बढ़ गया। जब से ट्रैफिक के चलान का अमाउंट बढ़ा है ट्रैफिक चलान कम हो गए हैं, लोगों ने अपना सही काम करना चालू कर दिया तो चलान ही कम कट रहे हैं। फिर भी तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी पर्टिकुलर, कई सारी किस्म के चलान हैं, अगर किसी पर्टिकुलर उससे है तो आप मेरे से अलग से मिल लेना, उसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं जी। थैंक यू। अगर आप एक और क्वेश्चन दे दें, कमर्शियल गाड़ी के इतना चलान होता है। कामनी देवी जी का, कामनी देवी जी, वोरी कामनी देवी। हाँ जी, कामनी देवी जी का सवाल है कि साफ सफाई की समस्या कब सही होगी? ये बहुत सही सवाल है,
अपनी दिल्ली देश की राजधानी है। आप में से कई लोग विदेश गए होंगे, आप लंदन जाओ, टोक्यो जाओ, पेरिस जाओ, वॉशिंगटन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, सिडनी जाओ, कितना साफ है उनका शहर, कितना साफ है, और अपनी दिल्ली कितनी गंदी हो रही है कि नहीं है? साफ करनी है नहीं करनी है? तो अब अगली बार का मेरा, जैसे इस बार हमने शिक्षा पे जोर दिया, हमने हेल्थ पे जोर दिया, हमने पानी पे जोर दिया, हमने सीवर पे जोर दिया, हम लोगों ने कई चीज़ों पे जोर दिया। अब मेरा टारगेट है अगली बार 5 साल में दिल्ली को ऐसा चमकाना है कि आप दूसरे देशों से कंपेयर कर लेना। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, साफ सफाई नहीं होती, मच्छर है, कीचड़ है, सीवर का गंदगी है, गंदे नाले हैं, और अपने 3 पहाड़ हैं कूड़े के, इतने बड़े बड़े, इन सब की सफाई करनी है। तो कामिनी जी ने बहुत सही प्रश्न उठाया है बहन जी, अगले 5 साल का यही है, मिलके करेंगे जो भी काम अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके करा है, वो सारा ऊपर वाले की दया से सफल हुआ है। 5 साल बाद जब हम फिर से अरविंद केजरीवाल जी से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तब सफाई का सब्जेक्ट भी उसमें होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो आज जितने ये अखबार वाले आए हैं कल छाप देना कि 5 साल में दिल्ली को चमका देंगे। शिवेंद्र मिश्रा जी हैं INA से, शिवेंद्र वो हैं ऊपर हैं, वो ऊपर हैं, आप अपना सवाल पूछेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने काफी ज्यादा पाइपलाइंस डलवाई हैं, जैसा कि आपने बोला था इस रिपोर्ट कार्ड में लिखा है, लेकिन पानी साफ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। मेरे खुद के घर में प्योरीफायर लगा है, लाइक मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब हैं तो उनकी सैलरी सही है, तो हम लोग ने लगवा लिया, लेकिन ऐसे घर जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कैसे सर, उनके घर में तो गंदा पानी आ रहा है। ये जितने भी आपके मोहल्ला क्लिनिक हैं फिर इनका फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। फिर देखिए दो चीज़ है, अभी हमारे विरोधी पक्ष वालों ने इसका मुद्दा उठाया था, आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार कोशिश की है इसको उठाने की कि जी पानी साफ नहीं आ रहा। कुछ इलाके ज़रूर हैं जिसमें पानी साफ नहीं आ रहा। जब हमारी सरकार बनी थी हम लोगों ने पूरी दिल्ली में लिस्ट बनवाई थी ऐसे इलाकों की जहाँ पे पानी साफ नहीं आ रहा। 2300 ऐसे इलाके मिले जहाँ साफ पानी नहीं आ रहा था, कहीं पे सीवर के साथ मिक्स हो रहा था, कहीं पे पानी की पाइपलाइन में लीकेज थी, किस्म किस्म की समस्याएं थी। हमने उन सब जगहों के ऊपर काम शुरू करा, कई जगह पानी की पाइपलाइन बदली, आज वो 2300 में से, एक मिनट शोर मत करो बच्चों, वहां पे ऊपर प्लीज बालकनी में शांति रखें। 2300 में से आज 125 पॉइंट ऐसे रह गए जहां अभी साफ पानी नहीं आ रहा, बाकी सारी दिल्ली के अंदर अब साफ पानी आ रहा है। तो इन 125 इलाकों में भी हमारे पास लिस्ट है सारी, उस पर हम काम कर रहे हैं, जो बचे हुए 125 पॉइंट हैं उस पर भी हम पानी की पाइपलाइन चेंज करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो भी जल्दी वहां भी साफ पानी आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो हमारे विरोधियों ने कहा, दिल्ली के अंदर लगभग 50 लाख परिवार रहते हैं, मेरे को नहीं पता कितने फिल्टर हैं और कितने ये, उन्होंने कहा, विरोधियों ने कहा कि जी 10 लाख दिल्ली के घरों में फिल्टर लगा पड़ा है। तो अगर 10 लाख घरों में फिल्टर लगा पड़ा है तो 40 लाख लोग तो रोज बिना फिल्टर के पानी पी रहे हैं, और रोज 40 लाख लोग बीमार होकर अस्पताल तो नहीं जा रहे, तो पानी उन 40 लाख लोगों के घर तो साफ ही आ रहा होगा। तो एक हवा बनाया जा रहा है, हवा बनाने की जरूरत नहीं है, समस्या को समझ के उसका समाधान निकालने की जरूरत है।
70 साल के अंदर इन्होंने जो बेड़ा गर्क कराया दिल्ली का, 70 साल के अंदर जो इन्होंने दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया, 5 साल के अंदर उसको पटरी में लाने की कोशिश करी है, अब रेलगाड़ी पटरी पे आ गई है, 100 की स्पीड से चलनी चालू हो गई है अपनी पटरी रेलगाड़ी। तो जो इलाके बच्चे बच गए हैं, पुष्पेंद्र है इनका नाम, शिवेंद्र जो इलाके बच गए हैं, आपका इलाका, ऐसे जो भी इलाके बचे हैं उनमें हम लोग काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, अगले 5 साल के अंदर साफ पानी की, दिल्ली के एक एक इलाके के साफ पानी की रिपोर्ट भी आपको देंगे। थैंक यू अरविंद जी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाए, तो उन्होंने आपको वीडियो पे क्वेश्चंस भेजे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से कि वीडियो चलाएं, क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे होंगे, अरविंद जी उनका जवाब देंगे। दिल्ली के एंड विधानसभा से, आम आदमी पार्टी से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करवाई है, और मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बस में मार्शल्स तो करवा दिए हैं अब, लेकिन वो अब महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या सोचते हैं और आगे क्या चीज़ें वो महिलाओं के लिए करना चाहते हैं जो आने के बाद में। मैं पूर्वांचली दिल्ली कैंट विधानसभा से, आम आदमी महिलाओं की सुरक्षा को लेके उन्होंने प्रश्न पूछा है। इस टाइम दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर जिस किस्म से रोज़ कहीं ना कहीं देश के कोने से कोई ना कोई हादसा सुनने को मिलता है, दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, और दिल्ली के अंदर भी आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, इसमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा, इसमें दिल्ली सरकार को भी काम करना पड़ेगा, इसमें पुलिस को भी काम करना पड़ेगा, और इसमें समाज को भी काम करना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा, पुलिस को अपनी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी। आज अगर किसी लड़की के साथ गलत काम हो जाए, उसके परिवार वालों को भरोसा नहीं है कि पुलिस में जाएंगे तो हमें मदद मिलेगी, आधे से ज़्यादा लोग पुलिस को जाके बताते ही नहीं है, उनको लगता है जी उल्टा हमारे ऊपर केस कर देंगे दूसरी पार्टी से मिलके। तो पुलिस व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई महिला परेशानी में है तो उसके सबसे पहले दिमाग में आए कि मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊं तो मेरे को मदद मिलेगी, और पुलिस तुरंत पहुंच के उसकी मदद करे। इस तरह की अगर व्यवस्था होगी और ये मंचलों को अगर पकड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, कड़ा संदेश आएगा। दिल्ली सरकार को खूब सारे काम करने की ज़रूरत है, उस दिशा में हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए हैं। अभी मैं एक स्कूल में गया था, छोटे बच्चों के स्कूल में, वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई CCTV कैमरों से कुछ फ़ायदा हो रहा है? कई बच्चियों ने बताया, बोले जी हमारे गली के कोने में मनचले लड़के खड़े होते थे पहले, जब से CCTV कैमरे लगे हैं कहती है सारे भाग गए। एक लड़के ने बताया, बोले जी रात को दारू पी के तमाशा किया करते थे हमारी गली में कुछ लड़के, जब से CCTV कैमरे लगे हैं तब से सारे भाग गए। तो CCTV कैमरों से एक तो ये होगा कि सबको पता चल जाएगा इन मनचलों को, इन अपराधियों को, कि भाई अगर हमने कुछ गड़बड़ करी तो हम पकड़े जाएंगे, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और एक पुलिस की जवाबदेही भी तय होती है। कई बार जब हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते थे वो हमसे सबूत मांगते थे, सबूत दो कि कुछ हुआ, क्या सबूत दें, हमारी लड़की से छेड़छाड़ करी इस बात की क्या सबूत दें हम, तो अब CCTV कैमरे में दिख जाता है सब कुछ, तो पुलिस को भी FIR करनी पड़ती है कई बार। उसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं, पूरी दिल्ली में 2,10,000 स्ट्रीट लाइट्स लगने का काम शुरू हो चुका है। फिर से ये 2,00,000 नंबर पे मत जाना, जरूरत पड़ेगी तो 20,00,000 लगवा देंगे, लेकिन दिल्ली के हर अंधेरे कोने को अब रोशन किया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बसों में मार्शलों की नियुक्ति कर दी, और जब से मार्शल एक महीना ही हुआ है 13,000 बसों में 13,000 मार्शल लगाए हैं। कई ऐसे इंसिडेंट निकल के आए हैं जब मार्शलों ने अपनी जान की बाजी लगा के हमारी माँ बहनों की इज्जत करी। एक अभी आया था जिसमें केस आया था, 8 साल की बच्ची, रेलवे स्टेशन के ऊपर बिहार से कोई परिवार आया, वो वापस अपने घर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ 8 साल की बच्ची थी। इतने में पिताजी पानी लेने चले गए,
माँ किसी रेडी से कुछ खरीदने चली गई, एक आदमी आया और वो 8 साल की बच्ची को उठा के ले गया। वो बस में बैठा, बस में बैठ के कहीं जा रहा था, बस के अंदर कंडक्टर ने और मार्शल ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, बच्ची लगातार रो रही है, लगातार रो रही है, और वो उसको चुप नहीं करा पा रहा। तो उन्होंने उससे पूछना चालू किया आदमी से, भाई कौन है, बच्ची का नाम क्या है, कहाँ रहता है। वो जवाब नहीं दे पाया तो इनको शक हुआ। तो अपनी आजकल जो बसें हैं उनमें गेट बंद हो जाते हैं, उन्होंने गेट बंद कर दिए बसों के और सीधे बस को पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस स्टेशन में उस लड़के को पकड़ा और वो बच्ची को उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिया। इस तरह से 6-7 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पिछले एक महीने के अंदर मेरी को बताई गई है, मेरी नज़र में आई है। तो बसों में मार्शल की नियुक्ति से काफ़ी सुधार हुआ है और भी काफ़ी कदम उठाने हैं, हम उठाएंगे वो सारे कदम। लेकिन आज मैं यहाँ जितने बैठे हैं और जितने टीवी चैनल वाले ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं उनके जरिए मैं अपनी माँ बहनों से अपील करना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन बेटों के साथ बैठ के अब थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जो भी गलत काम करते हैं, जो भी गलत काम करता है, जो भी बलात्कार करता है, जो भी छेड़खानी करता है, वो किसी का तो भाई है, किसी का तो बेटा है। जब वो वापस छेड़खानी करके घर जाता है तो सारे माँ बाप उसको बचाने में लग जाते हैं, सारा परिवार उसको बचाने में लग जाता है। वो परिवार ये नहीं सोचता कि कल को हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अगर हर परिवार ये ठान ले, अपने हर बहन से मेरी ये अपील है, अपने भाई को बिठा के बात करना कि भैया मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कल अगर तू कोई गलत काम करके आया तो घर में मत आइयो, फिर मेरे को बहन मत बोलियो, अपनी जिंदगी भर का रिश्ता टूट गया। हर माँ को अपने बेटे से बिठा के बात करनी पड़ेगी कि बेटा तू मेरा बहुत प्यारा है, लेकिन अगर कल तू किसी लड़की को छेड़ के आया तो ये याद रखियो अपने घर में भी एक बेटी है, कल को उसके साथ किसी ने कुछ कर दिया तो तू क्या करेगा। अगर तू कल को घर में कुछ करके आया किसी के साथ बाहर, तो घर मत आइयो, फिर मेरे को माँ मत कहियो, जिंदगी भर तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये, तो समाज को भी कुछ करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये बहुत गंदा बढ़ता जा रहा है, इसको अब रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा इसको। थैंक यू। एक और वीडियो सवाल है। मिहिर सिंह उत्तम नगर से, आपने सरकारी स्कूल की शक्ल तो 5 साल में बदल दी, उनको प्राइवेट स्कूल के बराबर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आगे क्या करने वाले हो आप, ये मेरा प्रश्न है। नमस्कार के जी। आगे कई सारे प्लान है, एक प्लान जो अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली की साफ सफाई करनी है, दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बना के दिखाएंगे और बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? साफ सुंदर बना के दिखाएंगे, जितने कूड़े के ढेर हैं सारे साफ करेंगे, जितने जगह जगह मलबा पड़ा है कूड़े का, ईंट पत्थर पड़े हैं सारे साफ करेंगे, ये जो तीनों कूड़े के पहाड़ बने पड़े हैं इसको साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली की सड़कों को चमका के दिखाएंगे, दिल्ली की गलियों को चमका के दिखाएंगे, दिल्ली को इतना साफ सुथरा बनाएंगे आपको गर्व होगा अपने दिल्ली के ऊपर कि हम दिल्ली के निवासी हैं दोस्तों। अरविंद जी, वापस हम यहाँ की जनता के सवाल लेंगे। ये सवाल है संजय रॉबिन्सन जी का, आरकेपुरम से। हाँ जी, सारे ऊपर वालों का ही नंबर आ रहा है, नीचे वालों का नंबर नहीं आ रहा। ये ऊंच नीच तो गलत सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं सेक्टर 9 आरकेपुरम झुग्गी बस्ती में रहता हूँ। हाँ जी। और बहुत सारे काम तो हो गए अच्छे, लेकिन हम में एक भ्रम फैला हुआ है, अभी तक आपने भी देखा होगा सुना होगा कि हम पक्के होने जा रहे हैं, हम पक्के होने जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम कैसे पक्के हो रहे हैं।
बीजेपी कह रही है हमने मालिकाना हक दे दिया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा हमें कैसा मालिकाना हक दे दिया। तो मैं आपसे थोड़ा एक्सप्लेन चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने लोगों को बता सकूँ कि हम कैसे पक्के हो रहे। कच्ची कॉलोनी में रहते हैं आप? जी साहब, झुग्गी बस्ती में रहते हैं सर। झुग्गी बस्तियों को पक्का नहीं कर रहे, कच्ची कॉलोनियों को कह रहे हैं ये पक्का करेंगे। जी सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों की दो डिमांड थी। एक डिमांड थी हमको पक्का करो। पक्का करने का मतलब कि मकान खरीदने में, बेचने में, रजिस्ट्री करने में। पक्का करने से बेसिकली एक ही काम होता है कि आपके मकान की रजिस्ट्री हो जाती है। आप खरीदते हो, बेचते हो, वो सारे ट्रांजैक्शन मान्य हो जाते हैं, लीगल हो जाते हैं। और दूसरी आप लोगों की डिमांड थी कि हमारे यहाँ काम कराए जाएं। कच्ची कॉलोनी में ना तो सड़कें थी, ना पानी था, टैंकरों से पानी जाया करता था, ना सीवर की व्यवस्था थी, ना नालियां थी, ना पानी की निकासी थी। तो बहुत सारी, एक तरह से बड़ा नरकीय जीवन होता था कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो ये दो डिमांड थी कच्ची कॉलोनी वालों की। अभी तक जब भी चुनाव होते थे, हर पार्टी चुनाव के पहले कहती थी कि हम आपको पक्का कर देंगे, हम आपके यहाँ काम कराएंगे, हमको वोट दे दो। इतने चुनाव हो लिए, किसी ने कोई काम नहीं कराया, किसी ने आपको पक्का नहीं करा। हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने कच्ची कॉलोनियों में एक तरफ तो काम कराने चालू कर दिए। 8,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए हैं, 8,000 करोड़ रुपए कच्ची कॉलोनियों पे। आपके यहां गलियां बनवा दी। अच्छा, दूसरी चीज, कई सारी कॉलोनियों में काम हो गया, कई सारी कॉलोनियों में अभी चल रहा है, ऑर्डर हो गए, टेंडर हो गए, शुरू होने वाला है। तो जिनके यहां नहीं हुआ वो ये मत सोचना कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। 100% कच्ची कॉलोनियों में काम हो रहा है, 100%। एक भी कच्ची कॉलोनी नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। सब में काम हो रहा है, सबके लिए पैसा दे दिया, सबका बजट अलॉट कर दिया। तो एक तो गलियां बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे, सीवर डलवा देंगे, पानी की पाइपलाइन डलवा देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगवा देंगे और मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे। ये 7 काम सारी कच्ची कॉलोनी में करवा देंगे। दूसरा था कच्ची कॉलोनी को पक्का करने का काम। जैसे हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने अपनी कैबिनेट से 12 नवंबर 2015 को प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि जी इन कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाए। केंद्र सरकार 5 साल तक सोती रही, 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं करा। अब जब दिल्ली के अंदर काम की चर्चा हुई, चारों तरफ काम ही काम, जनता कह रही है स्कूल अच्छे कर दिए केजरीवाल ने, अस्पताल अच्छे कर दिए ये, तो इन बीजेपी वालों को लगा यार यहाँ तो काम करके दिखाना पड़ेगा, बिना काम के वोट नहीं। इन्होंने सोचा था दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान कर लेंगे, दिल्ली में इनका चला नहीं हिंदू मुसलमान। दिल्ली में तो लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी सब मांग रहे हैं। तो इन्होंने काम कच्ची कॉलोनी पक्की करेंगे। एक चीज याद रखना, जब तक हाथ में रजिस्ट्री ना जाए तब तक किसी पे भरोसा मत करना। भाई साहब क्या नाम था? रॉबिन, संजय रॉबिन। जी सर, रॉबिन। जी सर, रॉबिन। एक चीज याद रखना, सबको बोल देना। जी सर, हाथ में जब तक रजिस्ट्री ना आ जाए, जी सर, किसी पे भरोसा मत करना। बस सर, ये झूठ का खुलासा करवाना था मुझे। जो रजिस्ट्री दे देगा हाथ में, पक्का उसी ने कराया, बाकी किसी ने नहीं कराया। सारे धन्यवाद चुनाव के टाइम में। थैंक यू सर। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, समय थोड़ा कम है, तो ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सागर जी का मधीपुर से। सागर जी मधीपुर से, उनका सवाल ये है, लेडीज के साथ साथ अगर सीनियर सिटीजन्स के बसों के किराए माफ कर दिए जाएं, रिक्वेस्ट है। लेडीज के कर दिए, अब अगले 5 साल में बाकी लोगों के भी करेंगे। आप कुछ और कहना चाहेंगे सबसे? बस सवाल तो बहुत है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहें। देखो जी, हम बहुत छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं, हमें तो पता नहीं कैसे एक किस्मत का खेल हुआ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। हमारे लिए 5 साल एक तरह से भगवान ने हमको सेवा करने का मौका दिया था, पुण्य कमाने का मौका दिया था। हम जैसे
अपने पास अगर पैसा हो, घर में पैसा हो, तो हम क्या करते हैं, हम दो बच्चों के, गरीब बच्चों की पढ़ाई करा देते हैं, हम सोचते हैं भाई पुण्य होएगा, दो गरीब लोगों का इलाज करा देते हैं। शोर मत कीजिए प्लीज, शोर मत कीजिए, आपसे बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, बस दो मिनट बैठ जाओ। हमने 5 साल पुण्य कमाने का काम किया है, हमने गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करी है, हमने घर घर में पानी पहुंचाया है, हमने गरीबों को इलाज कराने की कोशिश करी है, हमने एक आम आदमी की जिंदगी में, उसके परिवार की जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां लाने की कोशिश की है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम आगे भी आप लोगों के साथ मिलकर दिल्ली को और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी एक सवाल है, लेकिन वो सवाल अरविंद जी से नहीं है, वो आप सब से है, सब बैठे रहे। जब हम अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को देते हैं तो वो हमें बताते हैं, या तो शाबाशी देते हैं या बहुत पिटाई होती है। तो यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जी एक गुड स्कूल बॉय की तरह इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, क्या इनको 100 में से 100 मिले? दोनों बताएं, 100 में से 100 मिले, दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। 100 out of 100 टू द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। अब हम सब मिलके राष्ट्रगान करेंगे, सब राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं। सावधान,